बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास वन। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास वन। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द यूनिट नंबर सेवन। यूनिट नंबर सेवन इज हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। यूनिट नंबर सेवन, इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? हीट एंड लाइट, यानी जो हीट होती है, जो एक गर्माइश होती है, एंड लाइट और जो रोशनी है, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड इसके आउटकम्स क्या हैं। इस यूनिट के आउटकम्स में है कि अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पे जो हीट एंड लाइट की इम्पॉर्टेंस है उसको हम लोग समझेंगे। आइडेंटिफाई सेवन कलर्स ऑफ लाइट इन अ रेनबो, और जो रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं लाइट के, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मटीरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास, और वो तमाम मटीरियल्स जिनके थ्रू लाइट जो है गुजरती है, उसके बारे में हम लोग जो है इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मटीरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास, यानी वो मटीरियल कौन से हैं जिनके थ्रू लाइट जो है वो पास करती है, जैसे कि बल्ब वगैरह है, वो एक मटीरियल है और इसके थ्रू जो है वो लाइट गुजरती है। नेक्स्ट, आई वंडर डू यू नो व्हाई डू यू फील हॉट व्हाइल स्टैंडिंग इन द सन, यानी इसने कहा है कि आप जब सूरज में खड़े होते हैं तो आप जो है वो हॉट फील करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सूरज जो है वो गर्म होता है और वो एनर्जी को जो है ना वो छोड़ता है, हरारत छोड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग जब सूरज में खड़े होते हैं तो हम लोग उसको उसे हमें गर्माइश महसूस होती है। डू यू नो वाई डू यू फील हॉट वाइल स्टैंडिंग इन द सन, यानी जब आप सूरज में खड़े होते हैं तो आपको गर्माइश महसूस होती है। हीट एंड लाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हीट और लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द सन गिव अस हीट्स, सूरज जो है वो हमें हीट देता है। इट आल्सो गिव्स अस लाइट, वो हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है। द सन गिव्स अस हीट एंड इट आल्सो गिव अस लाइट। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सूरज जो है ये एक कुदरती ज़रिया है रोशनी का और हीट का। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। वी नीड हीट टू कुक फूड, इसी तरह उन्होंने कहा है कि हमें हीट की ज़रूरत होती है जब हम लोग खाना बनाते हैं। वी नीड हीट टू कुक फूड, हम लोगों को खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। वी नीड हीट टू कुक फूड, हमें खुराक तैयार करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म इन विंटर, इसी तरह जब हम लोग विंटर में खुद को गर्म रखना चाहते हैं तो हमें हीट की ज़रूरत होती है। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म इन विंटर, इसी तरह जब सर्द मौसम होता है तो उसमें हम लोगों को खुद को गर्म रखने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, लाइट जो है, जो रोशनी है वो मदद करती है जिससे हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, जैसे कि हम लोग बच्चों अंधेरे में नहीं देख सकते, लेकिन जब बल्ब वगैरह ऑन होता है या कैंडल वगैरह ऑन करते हैं या टॉर्च वगैरह ऑन करते हैं तो तब हम लोग जो है वो देख सकते हैं। लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फिर देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, और इसी तरह हम लोग अंधेरे में नहीं देख सकते। अमेजिंग फैक्ट, हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एंड लाइट जो है ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म्स हैं। हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉलिंग आर सम सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट, यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं।
हीट एंड लाइट के, फायर गिव अस आउट हीट एंड लाइट एंड हीट, फायर जो है वो गिव अस आउट लाइट एंड हीट, फायर जो है आग जो है ये हमें देती है, यानी आग से रोशनी भी होती है और हीट भी होती है, फायर्स गिव आउट लाइट एंड हीट, फायर जो है वो हमें रोशनी और हरारत जो है वो दोनों प्रोवाइड करती हैं, अ बल्ब गिव आउट लाइट एंड हीट, इसी तरह जो बल्ब है ये इससे रोशनी भी मिलती है और इसके इससे हीट भी मिलती है, जब आप इसके पास हाथ करेंगे तो आपको हीट जो है वो महसूस होगी, अ बल्ब गिव अस आउट गिव्स आउट लाइट एंड हीट बोथ, यानी बल्ब जो है उससे लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, अ कैंडल आल्सो गिव आउट लाइट एंड हीट, इसी तरह जो कैंडल है उससे भी हमें लाइट और हीट दोनों चीज़ें हासिल होती हैं, अ कैंडल आल्सो गिव्स आउट लाइट एंड हीट, अ कैंडल आल्सो गिव्स आउट हीट एंड लाइट, इसी तरह जो कैंडल है उससे भी हमें लाइट और हीट दोनों चीज़ें मिलती हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड वट इज़ अ नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट, नेचुरल सोर्सेज जो है हीट एंड लाइट का वो क्या है, वट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सन, सन इज़ द नेचुरल सोर्स, यानी जिससे हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, वाई डू वी नीड लाइट, हम लोगों को लाइट की क्यों ज़रूरत होती है, तो हमने कहा इसमें हमने देखा था कि वी नीड लाइट, हमें लाइट की ज़रूरत होती है टू सी थिंग्स, चीज़ें देखने के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट सी इन द डार्क, हम लोग डार्क अंधेरे में नहीं देख सकते, हाउ डज हीट हेल्प अस, कैसे हीट जो है वो हमें हमारी मदद करती है, हीट्स हेल्प अस, यानी हीट जो है वो हेल्प हमारी मदद करती है, हीट हेल्प अस टू कुक फूड, खुराक वगैरह तैयार करने के लिए, एंड कीप वार्म इन विंटर, और सर्दियों में गर्म रहने के लिए, वट आर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन सी दो फॉर्म्स हैं, एनर्जी की हमने पढ़ा कि दो फॉर्म्स हैं एनर्जी, वट आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट जो हैं वो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, वट आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 60, सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, इसी तरह कहते हैं कि सनलाइट जो होती है इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जैसे कि सूरज की रोशनी जो होती है वो 7 कलर्स की होती है, We can see the 7 colors of light in a rainbow, जैसे कि हम लोगों को रेनबो भी नज़र आता है कि इसके 7 कलर्स हैं, जैसे ये देखें this is a rainbow, और ये सूरज की रोशनी से जैसे बारिश के बाद एक रेनबो बनती है, उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और वो 7 कलर्स जो होते हैं वो कहाँ से कैसे बनते हैं, वो सनलाइट से बनते हैं, सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, वी कैन सी द 7 कलर्स ऑफ लाइट इन अ रेनबो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइल्ड, ये तमाम जो कलर्स हैं ये रेनबो में होते हैं, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, उसके बाद ब्लू है, इंडिगो है, एंड वाइल्ड, ये भी एक कलर का नेम है, यानी रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। Sunlight takes about 8 minutes to travel from sun to earth, यानी जो सूरज की रोशनी होती है वो 8 मिनट में ट्रैवल करती है ज़मीन पे पहुंचने के लिए। Sunlight takes about, एक अमेजिंग फैक्ट है बच्चों के, कहते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो 8 मिनट में ज़मीन तक पहुंच जाती है। Sunlight takes about 8 minutes to travel from sun to the earth, Sunlight जो होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो takes करती है, लेती है about 8 minutes, यानी 8 मिनट to travel करने के लिए from sun to the earth, यानी सूरज से ज़मीन तक travel करने के लिए उसको 8 मिनट चाहिए होते हैं। लाइट कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड ग्लास,
जो रोशनी है कैन पास, वो गुजर सकती है थ्रू एयर यानी हवा से, वाटर एंड ग्लास यानी जो ग्लास वगैरह हैं उनमें से जो लाइट है वो गुजर सकती है, जो रोशनी है वो गुजर सकती है। लाइट के ना पास थ्रू वुड कार्डबोर्ड एंड रबर, इसी तरह उसने कहा है कि लाइट जो है वो नहीं गुजरती थ्रू वुड यानी लकड़ी के थ्रू, कार्डबोर्ड या रबड़ वगैरह से, उनमें से वो नहीं गुजर सकती। जबकि उसने कहा है कि लाइट कैन पास थ्रू एयर वाटर एंड ग्लास, लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड कार्डबोर्ड एंड रबर। नेक्स्ट है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उनके लिए टी करें और जो फॉल्स हैं उनके लिए एफ यूज़ करें। सबसे पहले है वी कैन सी इन द डार्क, क्या हम लोग अंधेरे में देख सकते हैं? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, वी नीड लाइट टू सी इन द डार्क, हम लोगों को लाइट की ज़रूरत होती है अंधेरे में देखने के लिए। द मून gives heat to the earth, so, जो चांद है वो ज़मीन को हीट देता है। नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सन जो है वो, सूरज जो है वो ज़मीन को जो है वो हीट देता है, जबकि जो चांद है वो ज़मीन को हीट नहीं देता है। लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, रोशनी जो है वो हमें चीज़ें देखने में मदद करती है, ये बिल्कुल सही बात है। ए कैंडल गिव अस लाइट, कैंडल जो है वो हमें लाइट देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ फाइव कलर्स, जो सूरज की रोशनी है वो फाइव कलर्स की बनी होती है। नो, सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ सेवन कलर्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फायर्स गिव अस हीट, फायर गिव्स अस हीट, फायर जो है यानी जो आग है वो गिव अस हीट, वो हमें हीट देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, उसे हमें हीट भी मिलती है और उसे हमें लाइट भी मिलती है। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म, हम लोगों को हीट की ज़रूरत होती है टू कीप अस वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये थी ट्रू एंड फॉल्स, उसने कहा जो ट्रू हैं उनके लिए टी लिखें और जो फॉल्स हैं उनके लिए एफ लिखें, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि वी कैन सी इन द डार्क, क्या बच्चों हम लोग अंधेरे में देख सकते हैं? नो, हमें अंधेरे में देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या चांद हमें जो है वो गर्माइश देता है, वो हमें हीट देता है? नहीं, क्योंकि हम लोग हीट जो है वो सूरज से हासिल करते हैं, सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, लाइट जो है यानी रोशनी जो है वो हमें मदद करती है जिससे हम चीज़ें देखते हैं, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ए कैंडल्स गिव अस लाइट, कैंडल जो है वो हमें रोशनी देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ फाइव कलर्स, सनलाइट जो है ये फाइव कलर्स की बनी होती है, यस दिस इज़ अ जो सनलाइट है ये हमने देखा कि उसमें उसने कहा था कि ये सेवन कलर्स की होती है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यस, नो, दिस इज़ नॉट अ इन फाइव कलर्स, दिस इज़ इन सेवन कलर्स, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। फायर गिव्स अस हीट, फायर जो है वो हमें हीट देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म, इसी तरह हमें हीट की ज़रूरत होती है जिससे हम लोग वार्म रहते हैं, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स फाइंड आउट, स्विच ऑफ द लाइट्स इन योर क्लासरूम, विल यू बी एबल टू सी क्लियरली, क्या अगर आप जो आपके कमरे की जो क्लासरूम की जो लाइट्स हैं अगर आप उनको स्विच ऑफ कर दें, क्या आप कुछ चीज़ें देख सकेंगे? विल यू बी एबल टू सी थिंग्स? नो, अगर आप अपनी क्लासरूम की लाइट्स बंद कर दें तो आपको चीज़ें जो हैं वो सही नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद है वर्ड्स टू लर्न, नंबर वन है हीट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉट, यानी हीट किसको कहते हैं? एक ऐसी क्वालिटी जिससे आप जो हैं वो गर्म रहते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉट, एनर्जी, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, एनर्जी क्या होता है? कोई भी एबिलिटी जिससे आप कोई भी काम परफॉर्म करते हैं उसको आप एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नेक्स्ट है ब्रेन टीजर्स, अनस्क्रैबल द वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो अनस्क्रैबल हैं, आप इनको अरेंज करके लिखें। सबसे पहले है आई आर ई एफ, तो आप इसको अरेंज करके लिखें तो इससे क्या बनेगा? उसके बाद ये है, फिर ये देखें सन है, फिर ये क्या है, आप इन तमाम जो वर्ड्स हैं इनको अरेंज करके लिखें। सबसे पहले हमारे पास आता है
आई आर ई एफ, तो इसको आप अरेंज करके लिखें एफ आई आर ई, ये क्या बना फाइव। नेक्स्ट है यू एन एस, तो आप इसको अरेंज करके लिखें एस यू एन, क्या बना सन। नेक्स्ट है यू बी एल बी, तो आप इसको अरेंज करके लिखें बी यू एल बी, तो क्या बना बल्ब। उसके बाद है डी एन ए सी एल ई, तो आप इसको अरेंज करके लिखें तो इससे क्या बनेगा, इसमें आप इसको अरेंज करके लिखें, आप इसको देखें डी एन ए सी एल ई। सर्कल डांस्ड, इसको आप जरा सर्च करें, इसको देखें, ये वर्ड को अरेंज करके लिखें तो देखिए आपके पास क्या वर्ड बनता है, डी एन ए डी एन ए सी एल ई। तो इस वर्ड से आपके पास क्या वर्ड बनेगा, सबसे पहले हमारे पास आया फायर सन, फायर सन बल्ब, और उसके बाद हमारे पास है डी एन ए सी एल ई। तो इससे कौन सा लफ्ज़ आपके पास बनेगा, आप देखें इसको आप अरेंज करके लिखें तो यहाँ पे आएगा सी, सबसे पहले सी आएगा ए एन डी एल ई, तो आपके पास क्या बना कैंडल, कौन सा लफ्ज़ बना कैंडल। नेक्स्ट है कंसेप्ट मैप, यानी सूरज है, सन गिव अस, सन गिव्स अस सेवन कलर्स, इज मेड अप ऑफ लाइट, लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स। इसी तरह सन गिव अस हीट, यानी एक तरफ हमें सूरज से रोशनी हासिल होती है और दूसरी तरफ सूरज से हमें हीट हासिल होती है। लाइट, लाइट का मतलब ये है कि सन से हमें, सूरज से हमें लाइट मिलती है, जिस जो कितने कलर्स की होती है, सेवन कलर्स की होती है। सेवन कलर इज मेड ऑफ लाइट, जो है सेवन कलर्स की होती है, एंड लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, और इसी तरह रोशनी जो होती है उसे जो है हम हमें मदद करती है कि हम लोग जिससे चीज़ें देखते हैं। एंड सन गिव्स अस हीट, सूरज यानी सूरज है वो हमें हीट देता है, एंड हीट कीप्स अस सेफ फ्रॉम कोल्ड, और इसी तरह जो हीट होती है ये कीप्स अस, ये हमें रखती है सेफ फ्रॉम कोल्ड, यानी ठंड से महफूज रखती है। सन गिव्स अस लाइट, लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, इसी तरह सन है गिव्स अस हीट, ये हमें हीट देती है, एंड हीट कीप्स अस सेफ फ्रॉम कोल्ड, और इसी तरह जो हीट है वो हमें कीप करती है सेफ फ्रॉम कोल्ड, यानी ठंड से महफूज रखती है। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रही है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले है द सन्स गिव अस हीट एंड साउंड, हीट एंड लाइट, वाटर एंड लाइट, ऑल ऑफ द अबव। द सन्स गिव अस हीट एंड लाइट, द सन्स गिव अस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। नंबर टू है सनलाइट इज मेड अप ऑफ फाइव कलर्स, सिक्स कलर्स, सेवन कलर्स और एट कलर्स। सनलाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स। लाइट कैन नॉट पास थ्रू वाटर, ग्लास, वुड, ऑल ऑफ द अबव। लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, रोशनी जो है वो लकड़ी में से नहीं गुजर सकती। टू कीप अस वार्म इन द विंटर वी नीड लाइट, हीट, साउंड एंड एयर, वी नीड हीट। लाइट कैन पास, लाइट कैन पास थ्रू एयर, वुड, कार्डबोर्ड और बुक। लाइट जो है कैन पास, वो गुजरती है थ्रू एयर, यानी हवा के थ्रू गुजरती है, वुड के थ्रू, कार्डबोर्ड और बुक। लाइट कैन पास थ्रू एयर, लाइट कैन पास थ्रू एयर। नेक्स्ट है नेम टू थिंग्स विच गिव अस हीट, कोई सी दो चीज़ें लिखें जो हमें हीट देती हैं, उनके नाम लिखें। सबसे पहले आप लिखें दैट गिव अस फायर, फायर गिव अस हीट, फायर जो है वो गिव अस हीट एंड सन, और नंबर टू है सन गिव अस हीट, फायर एंड सन गिव अस हीट। नेक्स्ट है
राइट द नेम्स ऑफ द थ्री थिंग्स थ्रू विच लाइट कैन पास एंड लाइट कैन नॉट पास, यानी कोई सी तीन चीज़ों के नाम बताएं जिनमें से रोशनी गुजर सकती है और जिनमें से रोशनी नहीं गुजरती। तो सबसे पहले हमारे पास है, हमने पीछे पढ़ा था कि लाइट कैन पास थ्रू, लाइट जो है वो गुजरती है किस किस के थ्रू गुजरती है, लाइट कैन पास थ्रू एयर, ग्लास एंड वाटर। लाइट कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड ग्लास, यानी ये तीन चीज़ें हैं जिनमें से लाइट गुजर सकती है। एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड एंड रबर। लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड एंड रबर। नेम टू थिंग्स विच गिव अस लाइट, कोई सी दो चीज़ें बताएं जिनसे हमें लाइट हासिल होती है। नंबर वन इज सन, सन गिव अस लाइट एंड बल्ब। सन एंड बल्ब गिव अस लाइट, सन एंड बल्ब्स गिव अस लाइट। राइट द नेम्स ऑफ द सेवन कलर्स, राइट द नेम्स ऑफ द सेवन कलर्स। सबसे पहले है वी आई ओ एल ई टी, वॉलेट। उसके बाद इंडिगो, आई एन टी आई जी ओ इंडिगो, बी एल यू ई ब्लू। नेक्स्ट है जी आर डब्ल्यू एन ग्रीन, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, ओ आर ए एन जी ऑरेंज। नेक्स्ट है आर ई डी रेड। ये थे सेवन कलर्स जिनके नाम्स को, जिन जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी जिसमें कलर्स नेम्स थे, हमने उनको फिल किया। नेक्स्ट है कलर्स द रेनबो, इसको कलर्स करने हैं। तो चलिए हम इस रेनबो को कलर करते हैं। तो हमें कितने कलर्स चाहिए, सेवन कलर्स चाहिए हमें। कलर्स द रेनबो, चलें अब हम इस रेनबो को कलर करते हैं। रेनबो में हमने कितने कलर्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से कलर्स होते हैं रेनबो में। हम लोगों ने है वो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये तमाम कलर जो हैं वो हमने जो है इसको कर लिए हैं। येलो कलर भी हो गया है, ऑरेंज कलर भी हो गया है, रेड कलर भी हो गया है, और उसके बाद ग्रीन कलर भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, ब्लू कलर भी यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास आता है रेड भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने येलो कलर यूज़ किया, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ऑरेंज कलर यूज़ किया, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने रेड कलर यूज़ किया, फिर हम लोगों ने ब्लू कलर और ग्रीन कलर यूज़ किया। अब हम लोग जो हैं यहाँ पे देखें, उन्होंने आप जो है वो पर्पल कलर यानी वॉलेट कलर यूज़ किया है, तो हम लोग जो हैं उसके लिए ये कलर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ये कलर यूज़ करेंगे। इसके साथ हम लोग जो हैं ये कलर यूज़ करेंगे,
तो ये हमारे पास जो है वो वायलेट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिगो कलर्स। अब हम लोग इसके लिए ब्राउन कलर यूज करते हैं। What is the color at the top? Top पे कौन सा कलर है? What is the color at the top? The color at the top is yellow. What are the color at the mid? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Blue color. Blue color is at the mid. उसके बाद है what is the color at the bottom? At the bottom पे हम लोगों ने brown color use किया है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 7 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हीट एंड लाइट के बारे में। हीट एंड लाइट क्या है? हीट एंड लाइट हमें कहाँ कहाँ से हासिल होती है? हीट एंड लाइट के सोर्सेज क्या हैं और हम लोग हीट एंड लाइट कब यूज़ करते हैं? आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।